जय श्री कृष्णा। आज हमने बनाया है ये ढोकला, वो भी माइक्रोवेव में। बनाने में सिर्फ 6 मिनट का टाइम लगा, और उससे पहले जो तैयारी में टाइम लगा वो बस अलग है, लेकिन माइक्रोवेव में रखने के बाद हमें 6 मिनट में ये हमारा ढोकला बन के तैयार हो गया। ये देखिए इसमें कितना स्पंज आया हुआ है, बिल्कुल स्पंजी बना है, और हाथ लगाते ही ये टूटने को हो रहा है, इतना सॉफ्ट बना है हमारा ये ढोकला। खाने में बड़ा ही टेस्टी बना है, बच्चों को बड़ों को सबको बड़ा ही पसंद आता है। आइए देखते हैं कि ये ढोकला हमने कैसे बनाया है। सबसे पहले एक बाउल में 1 कप बेसन लेंगे, जो कि मैंने छान के ले लिया है। 1 टेबल स्पून चीनी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, 3/4 टेबल स्पून नमक है, 3/4 कप दही है, 1 टीस्पून नींबू का रस है। दही को और बेसन को हम मिला लेंगे, इसमें लम्प्स ना पड़े, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाएंगे। थोड़ा पानी और डाल देंगे, ये मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा ही पानी लिया है, और हमें इसकी कंसिस्टेंसी बस ऐसी बनानी है कि ये इसमें हम डालें तो ये इसके अंदर एकदम से जा रहा है सारा, इसके ऊपर से कोई भी निशान नहीं रह रहा। ये हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी ढोकले के बैटर की। ये घोल हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें हम 1 टीस्पून इनो पाउडर डाल देंगे और इसको मिला लेंगे। ये हमारा घोल अच्छे से मिल गया, और अब हम इसको एक माइक्रोवेव सेफ बाउल में डाल देंगे। इसको हमने ग्रीस कर रखा है, इसको हम इसमें डाल देंगे। इसको इसके ढक्कन से कवर करके और माइक्रोवेव में रख देंगे। माइक्रोवेव को 6 मिनट का टाइम दे देंगे हम। ये हमारा ढोकला तैयार हो गया है, पंजी ढोकला हमारा ये बन गया है। गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे, हमने गैस पे कढ़ाई रख लिया है। इसमें हम 1 चम्मच के आसपास तेल डालेंगे, थोड़ी सी राई डाल देंगे। राई तड़क गई, करी पत्ता डाल देंगे, थोड़ी सी मिर्ची डाल देंगे, थोड़ा तेल डाल देंगे, आधा कच्चा आटा, इसमें पानी डाल देंगे, 1 टेबल स्पून नींबू का रस डालेंगे, 1 छोटा चम्मच चीनी डालेंगे और पानी को उबलने देंगे। ढोकला को हमने सर्विंग बाउल में चेंज कर लिया है। अब इसके ऊपर हम ये जो हमने मिर्च का, चीनी और नमक का, नींबू का पानी बनाया है, ये डाल देंगे, और हमारा ढोकला बन के तैयार हो गया है। इसके अंदर ये पूरा स्पंज बना है हमारा, बड़े आराम से सारा, ऐसे देखो, ये देखिए कितना आराम से ये हमारा टूट रहा है, और बिल्कुल स्पंजी बना है, देर भी नहीं लगी और फटाफट से बन के तैयार हो गया। अगर आपको ढोकला का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।